आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, उसका डेरिवेशंस करेंगे, उसके बाद बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे, जैक बोर्ड का क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का हरिओम एकेडमी में, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको। चलिए जैसा कि हम बताए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पलक बताओ बाबू। एन बाई थ्री एम स्क्वायर। क्या बोल रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी एस। इसका डेफिनेशन होता है कि मान लीजिए कोई एरिया है, ऐसा कोई एरिया ले लेते हैं, ठीक है, प्लस चार्ज हो जाए, कोई भी चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकता है। चलिए कोई एरिया ले लिया ए, इस एरिया पे 90 डिग्री पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली। मतलब इस एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जानना ये जरूरी है कि भैया ई है क्या? ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस है स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस से निकलता है, स्टार्ट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, प्लस से निकलता है माइनस में घुसता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। ये रेडियली आउटवर्ड है, और ये रेडियली इनवर्ड है, ये आपका ये जो एरिया होता है, ऐसे तो एरिया नॉर्मली वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, लेकिन जब छोटा एरिया लेते हैं तो वेक्टर होता है। तो सवाल है कि जो एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन वो देख लिया, प्लस से निकलता है माइनस में घुसता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज या इंडाइट्स नेगेटिव चार्ज। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, ये हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर ले लेते हैं, इसमें आप देखिए ये जो एरिया है इससे बाहर होगा इसका डायरेक्शन आउटवर्ड। यदि हम ये एरिया लें तो इससे बाहर नॉर्मल ऊपर, यदि हम ये एरिया लें तो इसके बाहर नॉर्मल, यदि ये वाला हिस्सा लें तो इसके बाहर नॉर्मल, ठीक है। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है, अलग अलग एरिया हो सकता है, बस दिखा रहे हैं आपको, हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, 90 डिग्री पे बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपका एरिया एलिमेंट हो गया। चलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्केल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर एक स्केलर है, तो हम पहले बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये है कि स्केलर क्यों है? स्केलर ये इसलिए है क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ए डॉट बी इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा, केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। या अभी भी पढ़ेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ठीक है। इसीलिए फ्लक्स स्केलर है, ठीक है। दूसरा, इसका यूनिट निकालना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। इस पर न्यूमेरिकल आता है, हम कराएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करें, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज एफ बाई क्यू नॉट। तो इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन, क्यू नॉट का कूलम, और डी एस तो एरिया है, थीटा को कोई यूनिट है नहीं, यूनिट है आपका रेडियन होता है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। तो इससे मतलब नहीं हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का है न्यूटन पर कूलम और एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका एक यूनिट हुआ। इसका एक और यूनिट है, क्योंकि ई जो है ना, ई और वी में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा लिख दे, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यदि आप मॉड ले लो तो ई का हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, डी वी मतलब वोल्टेज, आर मतलब डिस्टेंस, तो ई का हो जाएगा वोल्ट पर मीटर और एरिया तो था ही मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इससे इसे कट जाएगा, ये वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज आ रहा है ना सही से सबको? हेलो, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तीन डेरिवेशन है, बहुत आसान है। उससे पहले हम थोड़ा सा गॉसेस थ्योरम के बारे में बता देते हैं। गॉसेस थ्योरम, एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिखा दें ताकि आप लोग उसको समझ सकें। गॉसेस थ्योरम, राइटिंग समझ में आ रहा है ना कि और फैला के लिखना होगा? ये रहा आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हम खोल दिए हैं, ये रहा ये देखिए जो फ्लक्स वाला टॉपिक है, यहाँ पर अरे अरे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, ठीक है। चलिए फ्लक्स पार हो गया क्या? पेज नंबर 29। 29, वही तो बोले पार हो गया लगता है। 29, अच्छा ये गॉसेस लॉ, देखिए कितना अच्छे से समझाया हुआ है आप। आप देख पा रहे हैं ये आपका कोई चार्ज है क्यू, ठीक है,
उसको एक गॉसियन सरफेस से हम लोग घेर दिए, एक गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बनाए, उसके अंदर ये चार्ज को इनक्लोज कर दिए, ठीक है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है, द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल एस इज, तो देखिए ये चार्ज है क्यू, इससे पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड ऐसे निकल रहा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यदि इसके चारों ओर एक हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो पूछ रहा है कि जो फ्लक्स ये छोटा सा एरिया है उसके थ्रू क्या होगा, फ्लक्स थ्रू गिवेन ए स्मॉल एरिया दिस वन। तो फॉर्मूला है फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डेल एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज पॉइंट चार्ज जिसके कारण फील्ड है। तो ये छोटा क्यू है तो आप इसको लिखेंगे के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू तो पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए डेल एस, डेल एस ये एरिया है, ये जो आर यूनिट वेक्टर है ना, देखिए आर यूनिट वेक्टर क्या मस्त बताया हुआ है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इज अलोंग द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द एरिया एलिमेंट। ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर वो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आर वेक्टर डायरेक्शन है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है बाहर की तरफ, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इज अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए डेलेस का डायरेक्शन का जहां तक बात करें तो क्या है, नॉर्मल टू स्फीयर एट एवरी पॉइंट इज अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर एट दैट पॉइंट। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, हम पहले बताएं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या बताया, नॉर्मली आउटवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है डेलेस, तो उसको आप यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डेलेस, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यदि इस पूरा एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये तो छोटा सा एरिया का था, इस छोटा सा एरिया के थ्रू फ्लक्स, तो इस पूरा एरिया का फ्लक्स निकालना होगा, तो ये इस सबको इंटीग्रेट करना होगा, छोटा छोटा जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इस ये छोटा सा एरिया के कारण जो फ्लक्स है उसको सबको ऐड करेंगे तो निकल जाएगा आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे करेंगे हम, अब देखिए कि जो टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो समेशन मतलब ऐड कर रहे हैं सारे एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है उसको ऐड कर रहे हैं, समेशन थ्रू फ्लक्स, समेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू ऑल सर्फेसेस, छोटे छोटे एरिया को, इस छोटे छोटे एरिया के थ्रू फ्लक्स जो है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल एस,
अब आपको पता है कि स्फीयर है ये, क्या ये स्फीयर, अंदर से खोखला नहीं, अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। तो स्फीयर का ये छोटा सा एरिया हुआ, इस सारे एरिया को जोड़ेंगे क्या निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहीं पर गॉसेस थ्योरम क्या बोल रहा है, देखिए गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, ठीक है। यदि इनक्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, उसको सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉसेस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज। ये कोई भी क्लोज सरफेस पे लगेगा, उसका शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो। लेट हम क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय द सरफेस, द चार्ज में बी लोकेटेड एनी वेयर इन साइड द सर्फेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए गॉसियन सर्फेस है, इसमें प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस टू क्यू है, इसके बाहर भी चार्ज हो सकता है, प्लस क्यू, प्लस 5 क्यू। तो हम जो फ्लक्स में जो टोटल चार्ज ले रहे हैं, ये जो फ्लक्स है उसमें जो टोटल चार्ज ले रहे हैं, समेशन ऑफ चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, इस सरफेस के अंदर का चार्ज है, हमको बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। लिखा भी हुआ कि हमको बस अंदर का चार्ज लेना है। देखिए इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो स्टूडेंट दैट देयर आर सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड। देखिए फील्ड सबका अपना अपना होगा, लेकिन हम जिस एरिया को कंसिडर करें कि हमको जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना है उसके अंदर के इक्वल चार्ज को लेंगे, इसका भी फील्ड हो सकता है, इसका भी फील्ड हो सकता है, चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन हमको जिस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है उसके अंदर के ही चार्जेस को लेना है, ध्यान रखिएगा बात। यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि आप जो सरफेस चुन रहे हैं ना गॉसियन लॉ के लिए, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। यदि सिमेट्रिकल बॉडी के का फील्ड निकालना है, सिमेट्रिकल बॉडी के कारण यदि आपको फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस से आसानी से निकल जाता है, गॉसियन गॉसियस लॉ का इस्तेमाल से आसानी से निकल जाता है। जो गॉसियस लॉ है वो आपका बेस्ड है ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस डिस्टेंस कंटेन द कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग जाने, ये जो आप किए हैं वो गॉसेस थ्योरम का एक तरीके से प्रूफ हो गया, गॉसेस थ्योरम हम लोग क्या सीखे, कोई बताएंगे? हेलो, चलिए
सिंपल भाषा में बोला जाए तो यदि किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो आप इसे मान लीजिए ये स्फीयर है, इसके थ्रू आपको इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लें, यहाँ पर चार्ज था उसको गॉसियन सरफेस में ले लिए, ये है आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये। प्लस से फील्ड बाहर की तरफ जाता है, फील्ड बाहर की तरफ जा रहा, और ये छोटा सा जो एरिया है डीएस उसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही होता है। इस सरफेस के थ्रू यदि फ्लक्स का बात करें तो छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा एलिमेंट के कारण छोटा सा फ्लक्स होगा, ई डी एस कॉस 0, काहे कि फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है और डीएस का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, कॉस 0 1 होता है, ई डी एस हो गया। यदि हमसे बोला जाए कि इस पूरे स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स बताना है तो हमको छोटा छोटा एरिया लेना होगा और सारे के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड करना होगा, तो उतना मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन मतलब इसको कर लिए तो क्या हो जाएगा, सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये बताएं आपको, और इसका जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ है आर यूनिट वेक्टर आप ले सकते हैं और डेल एस, ठीक है। यदि इसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो डीएस भी बाहर की तरफ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², आर यूनिट वेक्टर 1 होता है, यहाँ डीएस ले लिए। इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4/r² ई डॉट डेलस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² डीएस का हो गया 4/r² आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, 4/4 पाई कट गया, तो बच गया अपना Q/r², नेट फ्लक्स आ गया। तुम कह सकते हैं Q जो है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस, विद इन जी कैपिटल लेना है अपने को, विद इन गॉसियन सरफेस, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट तो पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। गॉसियस थ्योरम हो गया, अब हम लोग इसके एप्लीकेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा है, 1 मिनट लगेगा सीख जाएंगे आप लोग। ऐसे मान लीजिए एक लाइन है, इसका लेंथ जो है एल है, एक कोई लाइन है इसका लेंथ कितना है एल है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या बताता है, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, Q/L। यदि आप DQ/dL भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्मली, चार्ज का यूनिट तो कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर। उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक सरफेस है, इसका एरिया है ए, तो इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं क्यू, क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये सिग्मा DQ/dA लिख सकते हैं या Q/A भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। यदि मान लीजिए स्फीयर है, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस प्लस,
ये आपका स्फीयर है, इस पर प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर है तो इसका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाता है रो। रो क्या होता है, क्यू बाई वॉल्यूम, क्यू बाई वॉल्यूम या डी क्यू बाई डीवी भी लिखा रहता है, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका बेसिक जानकारी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे प्रूफ, तीन प्रूफ है फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा यदि हम एनसीईआरटी में दिखा दे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रफली समझाएंगे। देखिए हमको करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन फिर ठीक है, फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, हमको फील्ड निकालना है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। आप यदि देखें तो ये डायग्राम है इसका, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देख पा रहे हैं आप लोग, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस प्लस, ठीक है। हमको आर डिस्टेंस पे फील्ड बताना है, तो मैं गॉसियन सरफेस मान लिया सिलेंड्रिकल, मैं गॉसियन सरफेस मान लिया सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो आपको पता है ना कि प्लस से फील्ड बाहर की तरफ जाता है, प्लस से फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पर तीन एरिया एलिमेंट लेगा, एक ये, एक ये और एक ये वाला। तो फील्ड तो आपको पता है कि प्लस से ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, प्लस से फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, हर जगह बाहर की तरफ निकल रहा है प्लस से फील्ड, नॉर्मली आउटपुट, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस हम माने हैं डॉटेड वाला सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ये देखिए, तो ये जो एरिया एलिमेंट है इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटपुट बाहर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटपुट बाहर, ये एंगल कितना हो जाएगा, अभी हम कलर चेंज करें, कलर चेंज होता है भाई, होता तो होगा छोटा डॉ, इसको हम ले लेते हैं DS1, फील्ड तो आपका यही है, थीटा 90 हो गया यहाँ पे, यहाँ पर भी वही है, इसको DS2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि हम पहले बोले हैं कि एरिया का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड, फील्ड तो प्लस से निकलता है ये भी बताएं आपको, दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो यहाँ पे इसको हम DS3 लिख लें, थीटा क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे थीटा 90, यहाँ थीटा 90, यहाँ थीटा 0, कोई दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं। तो अब आप देखिए इसको यहीं पे प्रूफ कर देते हैं, आपको हम वहां प्रूफ करके दिखा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, हम यहां पर उसको थोड़ा सा सीधा मान रहे हैं, लिटा के थोड़ा सा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, प्लस प्लस प्लस, एक गॉसियन सरफेस मान लिया, ऐसा डायग्राम जो है ना सीखना चाहिए आदमी को, यहां भी ऐसा,
ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। आपको पता है कि प्लस से फील्ड बाहर की तरफ, प्लस से फील्ड बाहर की तरफ 90 डिग्री ऊपर जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये प्लस है, फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा एरिया इसको माने तो उसका बाहर की तरफ ये जाएगा, DS1 हो गया। ये छोटा सा एरिया इसको माने, ये भी बाहर की तरफ जाएगा, ये DS2 हो गया। और ये छोटा सा एरिया माने, ये ऊपर जाएगा, ये छोटा सा एरिया था DS3। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है और इधर है, दोनों के बीच में थीटा है 90 डिग्री। यहाँ पर फील्ड ऊपर है और ये बाहर की तरफ है, यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री। जो टोटल फ्लक्स होगा आपको ये पता है इन तीनों एरिया एलिमेंट के कारण होगा, तो हम लिख सकते हैं EDS1 cos 90, क्योंकि EDS cos थीटा होता है, EDS2 cos 90 प्लस EDS3 cos 0, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। cos 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, cos 90 0 तो ये भी 0 हो गया, बचा क्या EDS3, cos 0 तो 1 होता है, तो ये है आपका फ्लक्स। तो बस ये छोटा सा कर्व सरफेस एरिया के कारण आया है, ये छोटा सा कर्व सरफेस एरिया के कारण आया, इसको हम D5 भी लिख सकते हैं, D5। हमको यदि पूरा निकालना है तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहां पे गॉसियस थ्योरम लगेगा, गॉसियस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ या गॉसियस थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस दैट इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि फ्लक्स का बात करें तो यहाँ पर मेरा आया हुआ है EDS3, EDS3। टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये पूरा वायर है इन्फिनिटी लॉन्ग है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा है। यदि हमको क्यू निकालना हो तो चूंकि आप देख सकते हैं कि लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, तो यदि क्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। तो ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज जाएगा लैम्डा एल। अब एप्सिलॉन नॉट है आपके पास, ये जो DS3 है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRL, 2πRL, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया सॉरी, तो ये ई इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट आ गया। यदि आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई ये रहा आर, इसको के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के 2λ/r। और फील्ड का जो डायरेक्शन है एन यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बोलिए आप लोग। तो इसका कुछ आप लोगों को क्वेश्चन एक करा देते हैं, आप लोग के पास ये NCERT का बुक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड, फील्ड दिया हुआ है आपके पास 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देखें आर, आर है आपका 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी डेट इज लैम्डा, आपको लैम्डा बताना है।
आपको समझ में आ गया वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ई इक्वल टू के टू लेमडा बाई आर। ये आपके पास है 9 × 10⁴, ये होता है 9 × 10⁹, 2 लैम्डा निकालना है, आर जो है 2 सेंटीमीटर है, 10⁻², 2 2 कैंसिल आउट, 9 9 कैंसिल आउट, 10⁴, 10⁵ बच जाएगा यहाँ पे, -2 ऊपर चल जाएगा, 10⁷ हो जाएगा, तो जो लैम्डा हो जाएगा 1/10⁷, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगला प्रूफ करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चंस। ओहो, गड़बड़ खुल गए। देखिए, इस साल का ये पेपर है, मॉडल पेपर। इसमें गॉसियन थ्योरम से कुछ क्वेश्चन आएगा तो करेंगे हम लोग। इसमें वैसा कुछ नहीं है। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक चार्ज क्यू है, वो एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है रेडियस आर का, मान लीजिए एक आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है, उसमें क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, इफ द रेडियस इज डबल्ड, यदि आप इस आर को डबल कर दो, 2R कर दो, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा, कोई बताएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड क्या होगा, कोई गेस? देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन थ्योरम के अनुसार, देखिए, टोटल चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता ही है सबको, 8.85 × 10⁻½ स्क्वायर मिनट। अब चार आपका रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस का रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आर डबल करो ट्रिपल करो, अंदर चार्ज क्या है, क्यू है, और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो भैया फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है, समझ में आया? देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका यूनिट तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, अभी कराएं आप लोगों को। ये सब कराया हुआ है, अब सेकंड सेट देखते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन इजी आता है।
देखिए क्वेश्चन आ गया। सरफेस कंसीडर फॉर गॉसियस लॉ इज कॉल्ड, अभी पढ़े हम लोग अंडरलाइन किए, गॉसियन सरफेस। एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करना है। एनसीईआरटी सही सारा क्वेश्चन आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है बस कि एक इलेक्ट्रिक चल जाए भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, एक क्यूब बना लेते हैं, ये रहा आपका क्यूब, वाह क्या डायग्राम है, शाबाश। क्यूब इसका आपका साइड है ए, द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ साइड ए, इसके सेंटर में चार्ज क्यू को रख दिया गया, ठीक है, क्यू चार्ज को रख दिया गया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी, देखिए क्यूब में 6 फेस होता है आपको पता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसको थोड़ा हम वीडियो दिखाएं तो आप लोग देख पाए, रुकिए 1 मिनट। क्यूब में आपका 6 फेस होता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्यू स्मॉल है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 6 फेस के थ्रू है, ये टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब। अब 6 फेस के थ्रू क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट है, 6 फेस के थ्रू क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आंसर। ये आपका हो गया, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मिला जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में किया जाएगा।